नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी सरिता। सरिता जी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं बिहार का फेमस लिट्टी बनाने जा रही हूँ, जो कि हर एक बंदे को बहुत ही पसंद है। इसके लिए हमें चाहिए चने की सत्तू। तो ये हर जगह मार्केट, सुपरमार्केट हर जगह अवेलेबल है ना। तो ये अपने घर के परिवार के अनुसार जितने मेंबर है उस हिसाब से आप सत्तू ले लीजिए। हमारे घर में तो सबकी फेवरेट है। इसमें हम डालेंगे लहसुन, है ना। चने की सत्तू में हमने लहसुन डाल दिया, ये है अदरक, है ना, अदरक कद्दूकस करके डाल दिया, ये है प्याज, ये प्याज डाल दिया हमने, और ये है हरी मिर्ची। अपने स्वाद अनुसार आपके घर में जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। ये धनिया की पत्ती हो गई। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है सरसों का तेल। ये जब सरसों के तेल में बनता है ना, इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक। हाँ जी, अब ये सारे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपको मेन इसमें सरसों के तेल से अच्छा फ्लेवर आता है, और ये खटाई डलती है नींबू का रस। इसमें नींबू का रस खटाई के लिए डालिए। और बिहार साइड में तो ये लोग बाग इसमें क्या, वो भरमा मिर्ची के अचार डालते हैं, और अचार के तेल, अचार के किसी भी अचार का आप ऑयल इसमें डालेंगे ना तेल, तो इतना टेस्टी बनेगा ये अचार के तेल से, मजा आ जाएगा फिर तो। ज्यादा लोग क्या है, इसको ट्रेवलिंग में 2 दिन तक नहीं खराब होता। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हो तो आप इसको बना के रख लीजिए, ये आपका 2 दिन तक नहीं खराब होगा। हाँ जी, अब हमने इसको अच्छे से मैश कर दिया, बढ़िया से मिला दिया। अब आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसको कंडे पे, ट्रेडिशनल स्टाइल से बिहार यूपी में कंडे पे सेक के बनाते हैं, वो तो और भी टेस्टी लगता है। लेकिन अब हम यहाँ कंडे तो ला नहीं सकते, तो या तो आप ओवन में सेक के बना लीजिए, या तो आप इसको फ्राई करके बना लीजिए। ट्रेन में जो ले जाते हैं ना, वो फ्राई करके ले जाते हैं तेल में तल के। और ऐसे रोज आप घर में इसको आलू और बैंगन के भरते के साथ, बहुत अच्छा बनता है। आज मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। फिर और किसी दिन मैं आपको सेक के भी बताऊंगी। ओवन में आपको बना के बताऊंगी वो ट्रेडिशनल स्टाइल से। तो आज क्या, हमारे बच्चों को तला हुआ ज्यादा पसंद है, तो आज मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ। हाँ जी, अब मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया मैंने, है ना। जब तक मैं, हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक मैं इसको भर लूंगी। अब हमारा तेल गरम हो रहा है। जब तक मैं इसको, हमने आटा लगा के रखा है ऑलरेडी। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। हाँ, छोटा छोटा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अब मैंने ये लोई बना लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच सत्तू डालूंगी और मैं इसको भर लूंगी। भरना तो हर लेडीज को आता ही है। हाँ जी, ये छोटे छोटे से बन गए, ये देखिए। ठीक है, मैं और 2 बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मेन तो इसका क्या है, कढ़ाई का ही है, अरे मसाले का स्वाद का ही है, जो टेस्ट है ना। आप जितना अच्छा मसाले बनाएंगे उतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और खटाई अच्छा डालिए। और ये आप जरूर बताना किस किस को लिट्टी खाना पसंद है। ये हमारे घर में तो सबका फेवरेट है लिट्टी। अब आप चाहे तो इसको आलू के पराठे की तरह भी बना सकते हैं, है ना। पराठे भी इसके अच्छे बन जाते हैं जी, ऑयल खाना कम पसंद करते हैं। अब हमारा तेल गरम हो गया है। मैं कढ़ाई में तेल फैला लेती हूँ और मैं अब ये डालती हूँ अपनी लिट्टी। हाँ जी, हमारा लिट्टी फ्राई हो रहा है।
अब आप इसको तेल को उछाल उछाल के अच्छे से सेक सकते हैं। देखिए सुंदर सी 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी आपको, फटाफट बनता है। आप इंग्रेडिएंट सब सामान काट पीट के आप रखेंगे, आटा लगा के या मसाले तैयार करके, तो ये 5 मिनट में आपकी लिट्टी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट में आपकी लिट्टी तैयार हो जाएगी। ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही खाया जाता है, दही के साथ, चाय के साथ, और इसका कॉम्बिनेशन तो लिट्टी के साथ चोखा ही जाता है। वो भी मैं आपको आज दिखाती हूँ अभी बना के, लिट्टी और चोखा। अब हमारा ये लिट्टी तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ, मैंने कढ़ाई ऑन कर दिया, अब मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए आलू और बैंगन का भरता, जो कि लिट्टी की मेन कॉम्बिनेशन भरते के साथ ही है। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए थोड़ी, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें मैं डालूंगी सरसों के तेल 2 चम्मच, ठीक है। 2 चम्मच सरसों के तेल के बाद हमारा तेल गर्म हो चुका है। सरसों के तेल में जब भी आप चीज़ें बनाएं तो थोड़ा तेल का धुआं निकल जाने दें, जब धुआं निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ा प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक डाल दिया, इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब ये अपनी प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन ब्राउन हो जाएगी, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। थोड़े से ये ब्राउन हो जाए अपनी प्याज। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब टमाटर गल जाए तो फिर हम भुट्टे के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस। इसमें कोई मसाले और नहीं जाएंगे, इतने ही जाएंगे। जो बैंगन और आलू का चोखा होता है उसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाते, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, और ये सरसों, ये भुरते का जान होती है ना सरसों के तेल। आप अगर इसको सरसों के तेल में बनाएंगे ना, ये बहुत अच्छा बनेगा। नमक डाल के मैंने हल्का सा पानी डाल दिया ताकि हमारे टमाटर गल जाए अच्छे से, क्योंकि एक बार अगर हमने आलू और बैंगन का मसाला वो सब डाल दिया ना, तो ये फिर टमाटर गलेंगे नहीं। मसाला ऑयल रिलीज कर चुका है ना, अच्छे से भुन जाएगी मसाले। तो प्याज बढ़िया से भुन गई है, अब मैं इसमें अपना वो डालूँगी, अदरक और ये बैंगन और आलू, ये हमने मैश करके अच्छे से रख लिया। उबाला मैंने 4 छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, और 2 छोटे बैंगन लिए हैं हमने, 4 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और मैंने 2 बैंगन लिए छोटे साइज़ के, और उनको हमने कुकर में बॉईल कर लिया है 2 सीटी, और उसको छील के हमने मैश कर लिया। अब देखिए आप कितना बढ़िया बन रहा है ना हमारा आलू का चोखा। अब इसको आप अच्छे से भुनिए, जितना अच्छा भुनेगा उतना टेस्टी ये चोखा बनेगा। बैंगन का भुरता तैयार है ना। अब मैं आप गैस बंद कर रही हूँ और इसमें थोड़े से कटे हुए धनिया डालूँगी, ठीक है, स्वाद अनुसार। धनिया से क्या अच्छी खुशबू आ जाती है। हाँ, अब मैं आप लोगों के लिए सर्व कर रही हूँ। ये हमारा टेस्टी टेस्टी सा बैंगन का भरता तैयार है। हाँ, अब मैंने आपके लिए प्लेटिंग कर दिया है, अब आप लोग आ जाइए खाना, लिट्टी और चोखा और हरी चटनी। धनिया खा के बताइए, अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा अच्छा आपके लिए डिश बना सकूँ।